आज शहीदी दिवस है। जीवन से कितना मोह होता है हमारा, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा करके जीवन को बचाते हैं, लेकिन कितने महान थे वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया अपनी मातृभूमि के लिए। इसलिए वो योगी थे। जो योगी नहीं होता है वो मृत्यु से पार जा ही नहीं सकता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिस दिन फांसी के फंदे पर उनको लटकाना, उस दिन हवन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, दंड बैठक लगा रहे हैं, बोले मैं तो प्रभु के घर जा रहा हूं। तो ये जो एक तो होता है ध्यान की बातें करना, एक होता अध्यात्म की बातें करना। चाहे हमारे इन क्रांतिकारियों ने योग अध्यात्म और ध्यान की बातें न की हों, लेकिन ये सच्चे योगी थे जो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव को आज ही के दिन फांसी के फंदे पर लटका दिया। आज इस शहीदी दिवस पर उनकी शहादत को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनकी राष्ट्रनिष्ठा को, उनके राष्ट्र प्रेम को, उनकी राष्ट्र भक्ति को सलाम करते हैं। और हम भी संकल्पित होते हैं इस बात के लिए कि 7 लाख से ज़्यादा वीरों ने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दे करके, अपनी शहादत, अपनी कुर्बानी दे करके जो हमें ये आज़ादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई, हम इस आज़ादी को नीलाम नहीं होने देंगे और उनके सपनों का भारत बनाएं। कितने महान थे वो लोग, और एक दो की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में जिन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया। हमारे ऊपर तो थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम विचलित हो जाते हैं। मैंने कहा हम जो आज संघर्ष कर रहे हैं ये तो उन महापुरुषों के नक के बराबर भी नहीं। मैं अभी पिछले दिनों भावरा गया था, चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि। एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ हो, गांव का व्यक्ति, सभी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता था चंद्रशेखर आजाद, और कोई भय ही नहीं मृत्यु का, और मुझे देश के लिए ही जीना है, और इसके लिए यदि मुझे अपने प्राणों की आहुति भी अर्पित करने लग पड़े तो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। हमारे जीवन की संविधाएं जब इस राष्ट्र यज्ञ में अर्पित होंगी तो निश्चित रूप से एक दिन यह हमारा राष्ट्र यज्ञ पूर्ण होगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन उसके लिए हमारे आंखों के सामने उन महापुरुषों का आदर्श सदा रहे। निराशाओं के बीच में, अविश्वासों के बीच में हमें आशा के दीप जलाने। आज उन शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी, जो बहुत ही प्रामाणिकता के साथ इस राष्ट्रीय यज्ञ में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग हों या हमारे उन क्रांति धर्मा वीर वीरांगनाओं के जीवन के वो प्रेरणाएं हों जो हमारे हृदय को झकझोरती हैं और हमारे भीतर शौर्य पराक्रम और स्वाभिमान को जगाती है, तो भाई राकेश जी को आज इस शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और उनको भी अभिनंदन है। ओम
शहीदों की शहादत के प्रखर प्रहरी पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के चरणों में हम देश के करोड़ों भारतीयों की ओर से नमन करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि, अपनी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हमारे बीच में हमारे पतंजलि योगपीठ में अतिथिगण उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प दोहराएं। बहन सुजाता जी जो हमारे पतंजलि योगपीठ में आज के इस योग सत्र में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं, आज का दिन संपूर्ण भारत के लिए अतीव प्रेरणा का दिवस है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल 5 महीने 25 दिन, वो छोटी सी अवस्था जब व्यक्ति दुनिया को देश को समझता नहीं सामान्य अवस्था में, उस छोटी अवस्था में भगत सिंह ने पूरे देश को जगा दिया। आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी तो 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि उसने 23 मार्च को सारे नियमों को, सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर 23 मार्च की शाम को आज ही के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी। शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के लिए कष्टों भरा जीवन जीना भी जानते थे, जो देश के लिए दुश्मन की जान लेना भी जानते थे और देश के लिए जरूरत पड़े तो जान देना भी जानते थे। शहीद भगत सिंह को जब फांसी की सजा दी गई तो उसकी फांसी से अंग्रेज सरकार कितनी डरी हुई थी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक दिन पहले फांसी दी और फांसी देने के बाद जेल के मुख्य रास्ते से शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की के शरीर, पार्थिव शरीर को नहीं निकाला, जेल के पीछे से दीवार तोड़ी, दीवार तोड़कर बोरों में उनके पार्थिव शरीर को भरा और वहां से कई किलोमीटर दूर ले जाकर फिरोजपुर के रावी नदी के तट पर हुसैनीवाला में वहां पर लाशों के कई टुकड़े किए, कुल्हाड़ियां उसके ऊपर चलाई और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। शहीद भगत सिंह ने जब अपनी शहादत दी तो उनकी मौत के बाद उनके एक साथी अजय घोष ने कहा कि शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे धुर उतारे हैं जिन्होंने थोड़े ही समय में, जो बहुत थोड़े समय चमके, लेकिन 23 वर्ष की इस छोटी सी आयु में वो 33 करोड़ लोगों को जगा गए। भगत सिंह को जब शहादत दी गई तो 23 मार्च के बाद जब 24 मार्च को लोगों को पता लगा तो 24 मार्च को करोड़ों लोग देश की सड़कों पर उतर पड़े। लाखों लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए, लाखों लोगों ने अपने रक्त से हस्ताक्षर किए, अंग्रेज सरकार की निंदा की। और भगत सिंह की फांसी से पहले जब उनके बचाने की बात थी तो भगत सिंह का प्रभाव देखिए देश कैसे खड़ा हुआ था कि भारत के लोगों के साथ साथ इंग्लैंड की, अंग्रेजों की जो हम पर शासन करते थे उनकी लेबर पार्टी के सांसदों ने भी भारत के लॉर्ड इरविन को कहा कि भगत सिंह की फांसी को माफ कर दिया जाए। फांसी के समय, आज शहादत दिवस है, भगत सिंह ने फांसी किस हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा उसकी बात करेंगे। फांसी के समय जब शाम को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को स्नान करके फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था तो जैसा फांसी का नियम होता है कि फांसी के समय कोई ना कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित रहता है, तो जो जिस अंग्रेज मजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी जब भगत सिंह उसके पास से निकले तो भगत सिंह ने मुस्कुराकर उस अंग्रेज मजिस्ट्रेट से कहा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज आप देखेंगे कि भारत माता के लाडले, भारत के वीर कैसे हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हैं। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उस जेल में
ऑफिसर तो अंग्रेज था लेकिन जो चीफ वार्डर था वो चतर सिंह नाम का एक सिख भाई था। उस चतर सिंह नाम के सिख भाई जो जेल में फांसी दी गई तो उसका चश्मदीद गवाह था, तो फांसी के बाद उसने बताया कि भगत सिंह जब फांसी के लिए गए तो बहुत हंसते हंसते जा रहे थे। मैंने अपने 30 साल के जेल के जीवन में सैकड़ों खूंखार व्यक्तियों को, डाकुओं को, भयंकर से भयंकर व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर लटकते देखा है, लेकिन जिस दिलेरी और बहादुरी से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे पर चढ़े हैं, ऐसा ना कभी देखा था ना कभी सोचा था। और जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई 23 मार्च की शाम को दी गई, 24 मार्च को अखबार में वो खबर नहीं आ सकी, 25 मार्च को जब खबर छपी तो उस समय आप पुरानी फिल्मों में भी देखते हैं कि एक तरीका होता था, शहर की गलियों में जब होकर अखबार बेचने वाले अखबार बेचते थे तो वो कोई मुख्य खबर आती है तो उस खबर का नाम लेते थे कि आज अखबार में ये खबर है, ये खबर पढ़िए। तो उस समय जो अखबार बेचने वाले जितने लोग थे वो मुंबई की सड़कों पर, लाहौर की सड़कों पर, पूरे देश के शहरों में रो रो कर अखबार बेचने के लिए आवाज़ लगा रहे थे कि आज भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। रोज तो वो जो आवाज लगाते थे वो पेट के लिए लगाते थे, लेकिन उस दिन रो रो कर जो उनकी आवाज निकलती थी वो भी देश के लिए आवाज निकल रही थी। भगत सिंह की फांसी वाले दिन शायद ही कोई पंजाब का ऐसा घर था जिसमें चूल्हा जला हो। भगत सिंह का नाम भगत सिंह कैसे पड़ा? भगत सिंह का जन्म, शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ। तो भगत सिंह का भगत सिंह कैसे पड़ा? क्योंकि भगत सिंह का जब जन्म हुआ उस समय भगत सिंह के पिताजी और दो चाचा जेल में थे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के एक चाचा सरदार स्वर्ण सिंह और भगत सिंह के दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह। जैसे ही भगत सिंह का जन्म हुआ तो घर में समाचार आया कि भगत सिंह के पिताजी को अंग्रेज सरकार ने रिहा कर दिया। अभी शाम भी नहीं हुई थी कि एक दूसरा समाचार आया कि भगत सिंह के चाचा सरदार सवर्ण सिंह भी जेल से छूट गए। और दो दिन बाद तार आया, जो सरदार अजीत सिंह है वो मांडले की जेल में थे जो अभी वर्मा में है, तो वहां से दो दिन बाद तार आया कि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन भगत सिंह के दूसरे चाचा सरदार अजीत सिंह को भी अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तो भगत सिंह के परिवार में खुशियां मनाई गई और भगत सिंह की दादी ने कहा कि ये लड़का बड़ा भाग्य वाला है तो इसका नाम रखना चाहिए भाग्यों वाला। वो भागों वाला से बिगड़ता बिगड़ता भगत सिंह नाम भगत सिंह का पड़ा। और ये तो भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो भगत सिंह के परिवार के 3 सदस्य कैद से छूटे। भगत सिंह ने जब शहादत दी तो देश के 33 करोड़ लोगों की, भारत माता की बेड़ियां कटी। सरदार भगत सिंह के खून में वो प्रेरणा कहाँ से आई? तो हम जब इसका अध्ययन करते हैं, बहुत से विद्वानों ने इसका अध्ययन किया, तो हिसार के एक विद्वान है डॉक्टर M.M. जुनेजा जी, उन्होंने भगत सिंह पर कई पुस्तकें लिखी हैं। तो एक पुस्तक में वो लिखते हैं कि एक साधारण घर का व्यक्ति, एक किसान परिवार में पैदा हुआ, एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, वो एक साधारण नौजवान से ऐसा बड़ा नेतृत्व कैसे बना, कैसे वो सरदार भगत सिंह बना? तो वो फिर भगत सिंह की माँ से मिलते हैं और भगत सिंह की माँ विद्यावती जी से पूछते हैं कि भगत सिंह के पीछे ऐसा कौन सा कारण है जिसने एक छोटे से बालक को प्रेरित कर दिया कि वो देश के लिए मर मिटे, और सिर्फ मर मिटे नहीं, पूरे देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवा दे, पूरे देश को जगा दे। तो उसकी माँ, भगत सिंह की माँ विद्यावती जी ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि वैसे तो हमारे परिवार में पीढ़ियों से देशभक्तों का आना जाना है, भगत सिंह के ऊपर सभी क्रांतिकारियों का प्रभाव है। शहीद आजम करतार सिंह सराबा की फोटो भगत सिंह अपने पास रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे अधिक अगर भगत सिंह पर किसी का प्रभाव है तो वो उनके दादा का है, सरदार अर्जुन सिंह जी का है। और सरदार अर्जुन सिंह जी पूरे पंजाब के पहले व्यक्ति थे जिनको महर्षि दयानंद ने खुद अपने हाथों से अपना शिष्य बनाया था, उनको दीक्षा दी थी। तो भगत सिंह के विचारों में, भगत सिंह के खून में महर्षि दयानंद जीते थे, महर्षि दयानंद बोलते थे, महर्षि दयानंद के सपने को पूरा करने के लिए महर्षि सरदार भगत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ लोग कहते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह नास्तिक नहीं थे, लेकिन वो अवसरवादी भी नहीं थे। भगत सिंह
पूरी तरह एक एक व्यक्ति को भगवान मानते थे, कुछ दूसरी मानसिकता के व्यक्ति, आयातित मानसिकता के व्यक्ति भगत सिंह के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि भगत सिंह भगवान को नहीं मानते थे, तो आप भी ना मानो। भगत सिंह तो एक एक व्यक्ति के अंदर भगवान को देखते थे। और सरदार अर्जुन सिंह जी कितने महर्षि दयानंद से प्रभावित थे, जब सरदार भगत सिंह 5-6 साल की उम्र के थे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, और जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया तो यज्ञ वेदी पर खड़े होकर सरदार अर्जुन सिंह जी ने यह घोषणा कर दी कि मैं अपने दोनों पोतों को, सरदार भगत सिंह और उनके छोटे भाई को, दोनों को देश की बलि वेदी पर आज से दान करता हूं। ऐसी प्रेरणा महर्षि दयानंद की सरदार अर्जुन सिंह जी को थी। सरदार भगत सिंह ने उसी 5 वर्ष की अवस्था से सोच लिया था कि मुझे तो देश व समाज के लिए जीना है, देश व समाज के लिए काम करना है। भगत सिंह का पूरा खानदान क्रांतिकारी खानदान था। सरदार भगत सिंह जी को सब अपना आदर्श मानते हैं, तो ये सोचते हैं कि सरदार भगत सिंह जी तो देशभक्त थे, लेकिन परिवार में कौन कौन देशभक्त थे इसकी जानकारी कई बार बहुत कम लोगों को होती है। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह जी महर्षि दयानंद के शिष्य और बहुत बड़े देशभक्त थे। उनकी दादी जय कौर, वो जो घर में क्रांतिकारी आते थे उनकी सेवा करती थी, वो भी एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता सेनानी थी, देशभक्त थी। उनकी माँ विद्यावती, वो देशभक्त थी। भगत सिंह के चाचा सरदार स्वर्ण सिंह, उन्होंने भी 23 वर्ष की आयु में अपनी शहादत दी थी, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह, वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उनके ऊपर 42 मुकदमे दर्ज थे। जैसे भगत सिंह ने संस्था बनाई थी, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान बनाया है, ऐसे ही शहीद भगत सिंह के पिताजी ने भारत माता सोसाइटी के नाम से एक संस्था बनाई थी, और वो भी कई बार जेल गए थे। इसी प्रकार भगत सिंह के दूसरे चाचा जी थे सरदार अजीत सिंह जी। सरदार अजीत सिंह जी तो इतने बड़े देशभक्त थे कि अंग्रेजों की सरकार ने उनको देश में नहीं टिकने दिया, और सबसे अधिक 38 साल का निर्वासित जीवन उन्होंने व्यतीत किया। वो एक बार जब बाहर चले गए तो आज़ादी के बाद ही देश में आ सके, अंग्रेजों की सरकार ने उनको आने नहीं दिया। इतने बड़े देशभक्त अंग्रेजों के चाचा सरदार अजीत सिंह जी थे। सरदार अजीत सिंह जी 40 भाषाओं को बोलना जानते थे, भगत सिंह के चाचा 6 भाषाओं को लिखना जानते थे। और सरदार अजीत सिंह का व्यक्तित्व कैसा था वो एक घटना से समझा जा सकता था। एक बार लाहौर में सरदार अजीत सिंह ने एक भाषण दिया, उस भाषण से जो हजारों लोग इकट्ठा हुआ है, एक भाषण के प्रभाव से, 1 घंटे के प्रभाव से सारे लोग खड़े होकर सरकारी बिल्डिंगों को आग लगाने के लिए तैयार हो गए। ऐसी आग भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह जी उगलते थे। तो पूरा खानदान क्रांतिकारी खानदान था। अब आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भगत सिंह की के दादा सरदार अर्जुन सिंह क्या सेवा करते थे। भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से, यूनानी नुक्सों से, जो उनके गांव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वैद्य के रूप में सेवा देते थे, भगत सिंह के दादाजी वही सेवा देते थे जो आप सेवा देते हैं। आसपास के लोगों को स्वस्थ करना, उनकी सेवा करना, किसी की हड्डी टूट गई, किसी को कोई बीमारी है, तो उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, एक वैद्य के रूप में, एक हकीम के रूप में भगत सिंह के दादाजी सेवा करते थे। भगत सिंह की माँ और भगत सिंह की दादी दवाएं बनाने का काम करती थी, रोगियों की सेवा करने का काम करती थी। और मैं ये मानता हूँ कि भगत सिंह के दादा जो काम करते थे वो सब काम आज पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में आप सब कर रहे हैं। और भगत सिंह के दादा जो काम करते थे उसमें दवाइयों का नाम मात्र, कभी कभी शुल्क ले लिया तो ले लिया, किसी ने दवा ला दी, नहीं तो निशुल्क करते थे। और वही काम, सेवा का कार्य पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से, पतंजलि योगपीठ के माध्यम से देश के अंदर 5,000 से अधिक चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र कर रहे हैं। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि भगत सिंह के दादा का काम पतंजलि योगपीठ आगे बढ़ा रहा है, भगत सिंह का काम भारत स्वाभिमान आगे बढ़ा रहा है। भगत सिंह क्या सोचते थे, अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे, उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय के बारे में क्या सोचते थे, क्रांतिकारियों का दर्शन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, तो उस समय जो क्रांति चलती थी, जो क्रांतिकारी थे, भगत सिंह को छोड़कर बाकी क्रांतिकारी तो मात्र ये सोचते थे कि हमें अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएं। भगत सिंह ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये चिंतन किया कि अंग्रेज तो चले जाएंगे
लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद देश की व्यवस्था कैसी होगी, ये जो चिंतन दिया ये सबसे पहले क्रांतिकारियों में भगत सिंह ने दिया। इसका पूरा श्रेय भगत सिंह को जाता है। भगत सिंह बार बार सोचते थे कि अंग्रेज चले गए, इनकी जगह काले अंग्रेज आ गए तो देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, किसान का जीवन स्तर कैसा होगा, किसान को गरीब को मजदूर को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये वो बार बार चिंतन करते थे। और भगत सिंह का ये दबाव था कि हमें सिर्फ आज़ादी ना मिले, हमें संपूर्ण आज़ादी मिले, किसान को गरीब को मजदूर को सत्ता में भागीदारी मिले, ये भगत सिंह का सपना था। भगत सिंह का सपना केवल ये नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं। कांग्रेस के बारे में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद क्या सोचते थे वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। ये कांग्रेस आजादी से पहले की कांग्रेस है। गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, दिल से सम्मान करते थे, उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे। 1922 में जो असहयोग आंदोलन चला उसके लिए स्कूल भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने छोड़ दिया, अपने पूरे कैरियर पर लात मार दी थी। गांव गांव गली गली गांधी जी के नाम का झंडा लेकर घूमते थे कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व के बारे में गांधी जी के बारे में कहते हैं कि गांधी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, गांधी जी उदार हृदय के परोपकारी जीव हैं। लेकिन वो आगे कहते हैं कि केवल परोपकार से जनता का कल्याण होना संभव नहीं है। आगे वो कहते हैं कि केवल राजनीतिक आजादी से थोड़े से व्यक्ति जनता का खून चूसेंगे, इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी अत्यंत आवश्यक है, सामाजिक आजादी संपूर्ण आजादी जरूर आए। ये भगत सिंह ने 84 साल पहले लिखा। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं अंग्रेजों से समझौते के बारे में? वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमारा सिर्फ एक ही समझौता हो सकता है कि बिना कोई बातचीत किए अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर समेटें और भारत को छोड़कर चल दें, इसके अलावा अंग्रेजों के साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं हो सकता। यह शहीद भगत सिंह ने कहा। और शायद शहीद भगत सिंह की बात को अगर माना जाता तो अंग्रेज बोरिया बिस्तर छोड़ के जाते तो अपने भारत की यह हालत नहीं होती। उस समय शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, उस समय जब वो क्रांति कर रहे थे, उन्होंने सैंडर्स का वध कर दिया, असेंबली में बम फेंक दिया, तो उसके बाद आप सरकारी स्कूल की किताबों को ले लीजिए, सीबीएसई की अलग अलग राज्यों की किताबों को ले लीजिए, उसमें भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में, उग्रवादी के रूप में, राजगुरु को, सुखदेव को, ऐसी 75 जगह लिखा हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं। शिक्षा बचाओ समिति के नाम से एक समिति है, उसने प्रयास किया तो कुछ सुधार हो सका। अब भगत सिंह क्या कहते हैं कि ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी, क्या मात्र अंग्रेज चले जाएंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? तो शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं कि यह लड़ाई केवल अंग्रेजी शासन के अंत से संतुष्ट ना होकर इस जंग को तब तक जारी रखना पड़ेगा जब तक देश में शोषण रहित समाज की स्थापना ना हो जाए। शहीद भगत सिंह मानते थे कि किसी भी देशभक्त को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक देश के गरीब, मजदूर और किसान के हाथों में सत्ता नहीं आती। वो कहते थे कि यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक चंद शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता के साधनों पर अपना एकाधिकार रखेंगे, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति, अंग्रेज शासक या स्वार्था भारतीय ही क्यों ना हो। पूज्य स्वामी जी महाराज शहीद भगत सिंह की इन्हीं पंक्तियों पर काम करके, शहीद भगत सिंह ने जो कहा कि अंग्रेज तो चले जाएंगे लेकिन उनके स्थान पर काले अंग्रेज आ जाएंगे, उन काले अंग्रेजों के आने के बाद भी हमें अपनी क्रांति को रोकना नहीं है, अपनी क्रांति को विराम नहीं देना है, उस क्रांति को जारी रखना है। पूज्य स्वामी जी महाराज और भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता उसी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, उसी क्रांति की लो को, उस क्रांति की मशाल को जलाए हुए हैं ताकि भगत सिंह ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा किया जा सके। भगत सिंह जब जेल में थे तो भगत सिंह की दादी उनसे मिलने के लिए आई। भगत सिंह की दादी जी जो बहुत वृद्ध थी, दो तीन व्यक्ति उनको सहारा देकर लेकर आए, तो भगत सिंह की दादी ने जब हथकड़ी और बेड़ियों में भगत सिंह को देखा, उस समय तक वो 126 दिन की भूख हड़ताल कर चुके थे, शरीर पूरा जीर्ण हो चुका था, तो भगत सिंह की दादी ने कहा कि हाय बेटा भागो वाला ये क्या। शहीद आजम भगत सिंह ने क्या उत्तर दिया वो कहते हैं कि दादी जी ये तो सरकार के गहने हैं। और फिर ठहाका मारकर बोले कि ये
सबको नहीं मिलते, ये तो किसी किस्मत वाले क्रांतिकारी को ही मिलते हैं। शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने जब अंग्रेजों की कोर्ट को देखा कि अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पूरी तरह से खराब है और इस न्याय व्यवस्था का हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। अब अभियुक्त अगर कोर्ट में नहीं है तो कोर्ट की कार्रवाई नहीं चल सकती, तो कोर्ट ने जेल वार्डन को, जेल सुपरिंटेंडेंट को बार बार ऑर्डर दिया कि कैसे भी हो भगत सिंह को यहाँ पर कोर्ट में लेकर आओ। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव कोर्ट का बहिष्कार कर चुके थे, तो जेल के अंग्रेज अधिकारी ने 10-10 खूनी पठानों को लगाया कि भगत सिंह को पकड़कर किसी भी तरह गाड़ी में डाल लें और कोर्ट ले जाएं। लेकिन 10-10 खूनी पठानों ने चाहे कितनी भी यातनाएं दी, वो भगत सिंह को डिगा नहीं सके। अंत में जेल के अधिकारी को कोर्ट में यह संदेश भेजना पड़ा कि भगत सिंह को पीट पीट कर मारना तो संभव है, लेकिन उसकी इच्छा के बगैर कोर्ट में लाना संभव नहीं है। जब 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स का वध किया, जिसने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, तो उस सैंडर्स के वध के बाद शहीद भगत सिंह की तलाश में पुलिस बड़ी चारों ओर फिर रही थी, तो उन्होंने अपने केश कटवाकर, हैट पहनकर, जो हैट वाली फोटो आप देखते हैं, कोट पहनकर, दुर्गा भाभी और उनके बच्चे को अपना परिवार बनाकर, सुखदेव को नौकर के रूप में, वो रेलवे स्टेशन से निकले, तो उनको अपने केश कटवाने पड़े। केश कटवाने के बाद वो अपने क्रांतिकारी साथी सरदार रणधीर सिंह से मिलने के लिए एक बार जेल में गए, तो सरदार रणधीर सिंह जो उनके दोस्त थे, जिनका आपस में बहुत प्यार था, उन्होंने कहा कि तुमने केस कटवा लिए हैं इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तो शहीद भगत सिंह ने जो सरदार रणधीर सिंह को उत्तर दिया, वो उत्तर एक बार याद करने के लायक है। तो शहीद भगत सिंह ने अपने दोस्त सरदार रणधीर सिंह को पत्र लिखा, क्योंकि उसने मिलने से मना कर दिया था। उसने कहा कि रणधीर भाई, आप तो केश कटवाने की बात करते हैं, मैं तो सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूं। अभी तक तो मैंने सिर्फ एक अंग कटवाया है, वह भी पेट के लिए नहीं कटवाया, देश के लिए कटवाया है। तुम देख लेना, मैं अपने गुरुओं के रास्ते पर चलकर एक दिन अपनी गर्दन भी कटवाऊंगा।